साल हो चुकी है मुझे और बाकी बच्चों से ही आता था मैं कर पाता हूँ चीज को, लेकिन इनके तो करे तो कुछ भी नहीं हो, मैं अकेले तो दावा डाल नहीं सकता, मुझे जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे स्पोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है और जो हमारी जनरेशन या भाईचारा सब बना रहता है चीज़ का और एक दूसरे के साथ रखते हैं रास्ते आप जो चलते हैं। कई चीज ये करना है, बारिश होती है, तूफान वगैरह या बीमार कुछ भी हो सकता है, हर किसी के साथ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी लेके चलते एक दूसरे को, एक मजबूती बना के चलते एक दूसरे को जाते हैं ठीक रहना है और अपने जो काम है अपने कर करके अपने मंदिर तक पैदल चढ़ाना चाहिए, ठीक रहती है पूरे रास्ते। यूपी पुलिस के नाम है, बहुत अच्छा लगता है हमारे घर के लिए मुख्य वाले आए और हमारे पुलिस वाले आए, हमारे बुट्टी भाई कितने हमारे दोस्त वगैरह हमारे रिश्तेदार वगैरह आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो आप भारत का नागरिक बोले पिछली साल हम तिरंगा लेके आए थे तो हमने सोचा कुछ हटके लाना चाहिए इस बार, तो हमारे दिमाग में आया हम भारत लेके आएंगे, भारत लेके आएंगे तो हम भारत में दिखाएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे भोले के धाम है, जैसे केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कई धाम हमने सारे उसमें दिखा जा रखे हैं, इस बारे में भारत रक्षा लेके आ रहे हैं। मैं देखिए जब से जागीरपुरी में यहाँ रह रहा हूँ, हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक होकर रहते हैं, कभी भी ऐसा मौका मिलता है हम लोगों को अपना दिखाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम एक है, क्योंकि सौहार्द बिगाड़ा हुआ है इस देश पे और हम जैसे लोग अगर नहीं निकल के आएंगे समझदार हिंदू मुस्लिम में तो देश का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार है कुछ यानी सियासी पार्टियां, तो हम हिंदू मुस्लिम के जो समझदार लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो हिंदू मुस्लिम के होते हैं अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और भी जांगीपुरी सीढ़ी पारे से भी कांवड़ गई थी मैंने, यानी उद्घाटन रिबन काटा था तो गए थे, अभी बीच में फोन आया वो लोग आ रहे हैं, एक डबल ई की जो है कांवड़ है विनीत भाई आ रहे हैं, दो दोस्त ही आ रहे हैं सब, तो सेवा का मौका मिला इन लोगों को, कांवड़ियों को सबका शुक्रिया जो हमें सेवा का मौका दिया।
भारत का सच्चा आपने यहाँ पर बना एक बिल्कुल ही नया तरीके का ये लग रहा है, तो ये आपके मन में कहाँ से आया और आप कैसे इस चीज को ऑर्गेनाइज किया? भारत के नक्शे से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम सब भारतवासी हैं। ये जात धर्म तो हम लोगों ने बनाया, सबसे पहले भारतवासी है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि भारत का नक्शा बनाने के लिए पावर तो हिंदू भाई ला रहे हैं, पर हम सब पहले भारतवासी। मतलब जैसे आप अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आती है, कई बार जाम भी होता है, तरह तरह के लोग भी मिलते हैं। जैसे एक हमारे भाई ने पावर लाए हैं, आज एक भाई का एक्सीडेंट भी हो चुका है इसी दौरान, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। कितने लोग आपको? 35 लोगों का ग्रुप है। अब यहाँ से हम जांगीपुरी के लिए जाएंगे। तो आज काफी देख रही थी मुस्लिम समाज के लोग भी शाम चलाए, क्या वो भी खबर लेके आए हैं? मुस्लिम समाज के लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया, जितने भी हिंदू भाई कावड़ लाए हैं, मुस्लिम समाज के लोग सभी भाई यहाँ का स्वागत करने आए हैं लोगों का। उन लोगों ने शील्ड दिया, माला बना के स्वागत किया, बाकी अभी कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया हुआ है मुस्लिम लोगों ने। माहौल जो है वो आप लोग नहीं बिगड़ने देंगे और भाईचारा जो है वो कायम होता रहेगा। देश का नौजवान जाग गया है, देश का नौजवान समझ चुका है कि जो सियासी पार्टी है जब चुनाव आता है तो ये तनाव पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम फर्क कर रहा था, वरना आम नागरिक मिलकर रहना चाहते हैं। कोई भी त्यौहार, ईद, दिवाली देख लीजिए, बकरीद, होली देख लीजिए, सब लोग मिलकर मनाते हैं, दूसरे को त्यौहार पार्टियां देते हैं, सब लोग मिलकर। ये तो कुछ ही लोग हैं जो सियासी यानी माहौल खराब करते हैं, अपनी वोटों की राजनीति देखते हैं, वोटों की रोटियां देखते हैं, सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। रखते हैं संपर्क थोड़ा सा, तो क्या जिस हिसाब से अभी चल रहा है हिंदू मुसलमान का हर जगह डिबेट, तो क्या आपके इस संदेश से जो आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कैसा संदेश जा रहा है और क्या आपको लग रहा है? आजकल आप देख ही रहे, आजकल जो भी राजनीतिक दल है सब हिंदू मुस्लिम पर लगे पड़े हैं, तो हमारे एक ही उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हम सब भाई हिंदू भाई मुस्लिम पीछे हमारे खड़े हैं, तो हम सब साथ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हिंदू मुस्लिम से। ये तो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि हिंदू मुस्लिम का एक वोट बैंक के लिए करती है, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सारे भाई हैं। मैसेज जाना चाहिए जो सियासी ताकतें हैं जो सौहार्द खराब करने पे लगी हुई है, पूरे हिंदुस्तान, हर मुल्क, हर धर्म, हर जाति का जो मजहब है, यानी पूरे सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके ये देश चल रहा है सब लोग। अब कुछ चंद लोगों की वजह से इस देश में माहौल खराब हो रहा है, लोग तनाव महसूस कर रहे हैं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम के लिए झगड़ों में उलझा रखा है सियासी पार्टियों ने। हम चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे हिंदू भाई, हम लोग मुस्लिम भाई सब एक हैं और पूरे दोनों से मिलकर ही देश की तरक्की करेगा, भारत की तरक्की नहीं है दोनों के बिना। हमें कोई किसी से क्लैश हुआ नहीं।